बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उसमें जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने कैंप साइट के आप लोग को नाम बताया था। और नाम मैंने आप लोग को इस वजह से बताया है कि मैंने कहा था कि आसानी से आप लोग वहाँ पे पहुँच सको, क्योंकि एड्रेस आप लोग को पता होगा कैंप साइट का, तो वहाँ जाने में आप लोग को आसानी होगी, कोई मसला नहीं होगा और आप लोग का फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी इससे क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। लेकिन जब आप लोग के मैंने कमेंट पढ़े वीडियो के नीचे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था मैंने कोई सवाब का काम नहीं किया, कोई गुनाह का शायद काम कर दिया है, क्योंकि वो जो कमेंट थे वो मेरे लिए सजा के बराबर थे। वो सजा के बराबर इस वजह से थे, मैंने आप लोग को क्लियर कट बताया है कि सूबा जो सिंध है वहाँ पर हमारे पास 18 डिस्ट्रिक्ट में 18 अजला में कैंप साइट कैम्प कर दी गई है और उनके बकायदा मैंने आप लोग को नाम भी बताए हैं। नीचे कमेंट में क्या पूछा जा रहा था कि हाँ जी पंजाब की कैंप साइट के नाम नहीं बताया, पंजाब को छोड़ दिया, हाँ जी केपीके को छोड़ दिया, हाँ जी बलूचिस्तान को छोड़ दिया, हाँ जी कश्मीर को छोड़ दिया। देखिए मुझे नहीं पता कि वो पाकिस्तान के सूबे हैं, मुझे भी पता है, मुझे भी याद है। अब मैं इतना भुलक्कड़ तो नहीं हो गया कि मुझे पंजाब याद नहीं रहेगा, केपीके याद नहीं रहेगा, सिंध याद नहीं रहेगा, कश्मीर याद नहीं रहेगा, गिलगित बल्तिस्तान याद नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए मैं पहले भी पिछली वीडियो में भी आप लोग को कह चुका हूँ कि कैंप साइट कैम होंगी वहाँ तो मैं आप लोग को बताऊँगा। आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में एक 18वीं तरमीम आई थी और उस 18वीं तरमीम में क्या करार दिया गया था कि सूबे जो हैं वो आज़ाद हैं। तो इस वजह से देखें सूबे आज़ाद हैं, अगर उसमें जो सिंध वाले हैं, जो सूबा सिंध के लोग हैं, उन्होंने अगर ज़्यादा फुर्ती दिखाई है और वहाँ पे जो कैंप साइट के अरेंजमेंट करने थे, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने जल्दी कर दिए, और फिर जब कैंप साइट कैम होगी उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने क्या किया, वहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। इसी तरह जो बाकी सूबे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कैंप साइट के अरेंजमेंट मुकम्मल कर रहे हैं और जब कैंप साइट कैम हो जाएंगी तो वहाँ भी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक बाकी जो सूबे हैं वहाँ पर कैंप साइट फंक्शनल नहीं हुई, सिर्फ सूबा सिंध के अलावा बलूचिस्तान में कैम्प की गई थी, लेकिन उसमें कुछ अजला में फंक्शनल हुई है, कुछ में नहीं हुई, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा आई हैं वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ भी मुश्किलात हैं। बाकी जिस सूबे में और जिन अजला में कैंप साइट कैम होती जाएंगी, मैं खुद आप लोग को उनके नाम बताता जाऊँगा। आप लोग को तूफान बर्पा करने की और इतनी जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से हौसला रखें। मैं कहीं नहीं भागा जा रहा, मैं इधर ही हूँ और आप लोग को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा, ताकि वहाँ पहुँचने में आप लोग को आसानी हो और आप लोग की हेल्प हो सके। तो कल की जो मेरी वीडियो थी उसमें टंडो अल्लाह मोहम्मद तक मैंने नाम बताए हैं, उसके आगे जो कैंप साइट थी उनके नाम रह गए थे। तो सिंध में जो बाकी अजला रह गए हैं वहाँ पे जो कैंप साइट कैम्प की गई हैं उनके जो नाम हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग को सिंध के जो 18 अजला हैं उनके नाम बता देता हूँ, उसके बाद उनकी कैंप साइट के नाम बताऊँगा। तो इस वजह से ना सिर्फ इस वीडियो को खुद सुने बल्कि जो आप लोग के चाहने वाले हैं, जो आप लोग के रिश्तेदार हैं, उन तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इससे क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूं सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ, तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो सिंध के जो 18 अजला हैं जिनमें कैंप साइट कैम्प की गई है और वहाँ पे पेमेंट भी शुरू हो चुकी है, तो उनके मैं बकायदा आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ, नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें हमारे पास बदीन, सजावल, जाम शोरू, सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, निशरो फरोज, टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, दादू, जबकाबाद, कंबर शादाकोट, लड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, खैरपुर, तो ये 18 अजला हैं जिनमें कैंप साइट कैम्प कर दी गई हैं और वहाँ पे पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुकी है। टंडो अल्लाह मोहम्मद तक मैंने कल आप लोग को पिछली वीडियो में कैंप साइट के नाम बता दिए थे, उसके बाद जो आगे वाले अजला हैं उनकी कैंप साइट के मैं आप लोग को इस वीडियो में नाम बताने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास शुरू हो जाता है। मीरपुर खास जो इसकी तहसील है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है, स्टीटिवा इंस्टीट्यूट हुसैन बख्शमारी में है, एंड्री हॉल पटून। मीरपुर खास में हमारे पास जो तहसील सिंधड़ी है उसमें हमारे पास है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सुल्तान मुजैद। बाद मीरपुर खास की जो तहसील शुजाबाद है उसमें हमारे पास जो कैंप साइट है रूरल हेल्थ सेंटर मखान सुमू न्यू बिल्डिंग नियर शुजाबाद कम्प्लेक्स। उसके बाद मीरपुर खास की जो तहसील दिगरी है उसमें यूसी ऑफिस कुंगरू। उसके बाद मीरपुर खास की जो तहसील कोट गुलाम मोहम्मद है उसमें हमारे पास इरीगेशन ऑफिस बिल्डिंग। उसके बाद मीरपुर खास की तहसील जूडो जो है उसमें हमारे पास है फूड गोडवन नोको। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट थरपारकर शुरू हो जाता है, उसकी जो हमारे पास तहसील छाछड़ो है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, उसमें है गवर्नमेंट कम्युनिटी हॉल अजीज पोरो मुबारक रिंद। उसके बाद है मोनो टेक्निकल कॉलेज। उसके बाद थरपारकर की जो तहसील ढाली है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल ओल्ड कीमी जोपर। उसके बाद है सीरियल नंबर 182 कैंप साइट नेम ओल्ड सब्जाजार बिल्डिंग किंसर। उसके बाद थरपारकर की जो तहसील डिप्लो है उसमें हमारे पास है गवर्नमेंट मुसाफिर खाना डिप्लो।
उसके बाद थरपारकर जो तस्लीम इस्लाम कोर्ट है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है वो है गवर्नमेंट वेयर हाउस बिल्डिंग इस्लाम कोर्ट। उसके बाद थरपारकर जो तहसील कलुई है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है वो है एसी ऑफिस कलुई। थरपारकर जो तहसील मिट्टी है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, उसमें है गवर्नमेंट रिसोर्स सेंटर चिलनार, सिंध समाल इंस्टीट्यूट हाल मिट्टी। उसके बाद थरपारकर जो तहसील नगर पारकर है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, यूसी ऑफिस डांडो डंडाल, उसके बाद है टीओ ऑफिस नगर पारकर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारे पास उमरकोट शुरू हो जाता है, इसकी जो तहसील उमरकोट है उसमें हमारे पास चार कैंप साइट हैं, उनके जो नाम है कैटल कॉलोनी उमरकोट, बिस्प तहसील ऑफिस उमरकोट, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल टोरी ओल्ड, कम्युनिटी हॉल करोरो चारा। उसके बाद जो उमरकोट की तहसील कुनरी है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, उसमें है रेड चिली सेंटर ढाडरो, यूसी ऑफिस तलहाई, पुरदीन कम्युनिटी हॉल नबी सरथर। उसके बाद उमरकोट की जो तहसील सुमारो है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, उसमें बी एच यू पी पी एच आई अंडर कंस्ट्रक्शन सुमारो रोड, उसके बाद है स्पोर्ट कम्प्लेक्स सुमारो। उसके बाद उमरकोट की जो तहसील पिथरो है उसमें हमारे पास है कम्युनिटी हॉल पिथरो, टाउन कमेटी हॉल शादीपली। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट दादू शुरू हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट दादू में हमारे पास जो उसकी तहसील मेहर है उसमें तीन कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज मेहर, गवर्नमेंट स्टेटिकल ऑफिस मेहर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काजी आरिफ। उसके बाद तहसील कंशा शुरू हो जाती है, उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज कंशा। उसके बाद तहसील दादू शुरू हो जाती है, दादू तहसील में हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज दादू, ऑफिस ऑफ द डिप्टी डायरेक्टर पोल्ट्री, उसके बाद है यूनियन काउंसिल ऑफिस पिरहारो स्टेशन। डिस्ट्रिक्ट दादू की जो तहसील छुई है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, डिग्री कॉलेज वाही पंधाई, एग्रीकल्चर ऑफिस जोई, उसके बाद है लाइव स्टॉक एंड फिशरी डिपार्टमेंट जोई। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जबकाबाद स्टार्ट हो जाता है, जबकाबाद तहसील जो है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, बिस्प तहसील ऑफिस डीआरसी जबकाबाद, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कादरपुर। उसके बाद जबकाबाद की जो तहसील थोल्ला है उसमें हमारे पास चार कैंप साइट हैं, यूनियन ऑफिस जुंगाल, टाउन हॉल डॉक्टर सुराब सरकी, बिस्प तहसील ऑफिस डीआरसी थोल। उसके बाद जबकाबाद की जो तहसील गढ़ी खैरो है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, क्रिकेट ग्राउंड गढ़ी खैरो, वेटरनी हॉस्पिटल मोहम्मदपुर ओडो। कंबर शादा कोट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो तहसील मीरो खान है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, उसमें है सीजीडीसी तलुका एजुकेशन ऑफिस। उसके बाद जो दूसरी कैंप साइट है वो है टाउन ऑफिस भिराम। कंबर शादा कोट की जो तहसील कंबर है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, मोनो टेक्निकल कॉलेज कंबर, गवर्नमेंट बॉयज शाह अब्दुल लतीफ डिग्री कॉलेज कंबर, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल भगदीरो, तहसील सजावल जुनीजो है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अर्जी भुट्टो। उसके बाद कंबर शादा कोट की जो तहसील नसीराबाद है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नसीराबाद, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज नसीराबाद। उसके बाद कंबर शादा कोट की जो तहसील वाड़ा है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, उसमें हमारे पास गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल वाड़ा, टाउन ऑफिस लालू रूम। बाद कंबर शादा कोट की जो हमारे पास तहसील कूबो सईद खान है उसमें हमारे पास है तलुका हॉस्पिटल कूबो सईद खान वीकेंड पोर्शन। उसके बाद हमारे पास जो कंबर शादा कोट की जो तहसील शादा कोट है उसमें हमारे पास है बिस्प तहसील ऑफिस शादा कोट, वेटरनी सप्लाई नियर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सैब खान लिशारी। बड़ी थकावट हो गई है, चले रास्ते में तो इसको नहीं छोड़ सकते। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लड़काना हमारे पास शुरू हो जाता है, इसकी जो तहसील ढोकरी है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, एडिशनल हार गवर्नमेंट हैदर बख्श जतोई बॉयज हाई स्कूल ढोकरी, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल डांट, बॉयज हाई स्कूल बेडा। पर लड़काना की जो तहसील बकरानी है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कलंदराबाद अरीजा, उसके बाद है गवर्नमेंट गुलाम मुस्तफ़ा जतोई हायर सेकेंडरी स्कूल मुख्तार काकड़ हाउस बरकरानी। तहसील रटो डेरो है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट हैं, उसमें है गवर्नमेंट टाउन हॉल रटो डेरो, पार्किंग एरिया गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रटो डेरो, गवर्नमेंट गर्ल्स एम एस वारिस डीनोवाशी, कोरो कम्प्लेक्स सचल सरमस्त कॉलोनी लड़काना। उसके बाद है नवाज खोड़ो ब्लॉक गवर्नमेंट पैलेट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट रिक्रिएशन सेंटर आकेल। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो तहसील शिकारपुर है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, डी सी ऑफिस शिकारपुर, पब्लिक हेल्थ ऑफिस हुमायूं। उसके बाद शिकारपुर की जो तहसील लखी है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, ए सी ऑफिस लखी, कमेटी हॉल गढ़ी यासीन। जो शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, ए सी ऑफिस गढ़ी यासीन, यूसी ऑफिस डक्कन। उसके बाद शिकारपुर की जो तहसील कानपुर है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट हैं, एसी ऑफिस कानपुर, एनिमल हॉस्पिटल रेमानाबाद। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कश्मीर शुरू हो जाता है, कश्मीर की जो कंदकोट तहसील है उसमें हमारे पास चार कैंप साइट हैं, उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीसी ओल्ड बिल्डिंग,
विटर्नी हॉस्पिटल गौसपुर, ओल्ड पुलिस पिकेट स्थाई स्माल रिसालाबाद, मोर जिला की जो तहसील कश्मोर है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, विटर्नी हॉस्पिटल एंड सब डिविजनल कमिश्नर डिरामो, टाउन कमेटी बक्सापुर, तहसील तंगवानी है उसमें हमारे पास है डीआरसी बिस्प ऑफिस तंगवानी, तंगवानी ओल्ड बिल्डिंग, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल महमूद आलम गुनियो। उसके बाद तंगवानी में तीसरी जो कैंप साइट है गवर्नमेंट काले करमपुर, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट घोटकी स्टार्ट हो जाता है, घोटकी में हमारे पास जो तहसील घोटकी है उसमें दो कैंप साइट है, पीपीएचआई हॉस्पिटल ब्लॉक उमर धाड़ो हाई स्कूल सरहद, घोटकी जो तहसील ढरकी है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, गवर्नमेंट मोनोटेक्निकल काले नियर टीसीएफ स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल दाद लिशारी तहसील लिखारी हमारे पास दो कैंप साइट है, सैब खान लुंड, मेहरान कला मीरपुर मिथारो। उसके बाद घोटकी जो तहसील उबारो है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, जाम मुमताज ढाढर डिग्री कॉलेज उबारो, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कमरा। घोटकी की तहसील खानगढ़ है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है, उसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर मार। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट खैरपुर स्टार्ट हो जाता है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खैरपुर तहसील है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट है, उसमें मुमताज ग्राउंड खैरपुर, विटर्नी हॉस्पिटल थितारो, गवर्नमेंट हाई स्कूल भरोली। उसके बाद खैरपुर में जो कोर्ट डीजी है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ओपन पोर्शन कोर्ट डीजी, सिराई प्यारो खान विटर्नी हॉस्पिटल कुंभ। उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बख्शो सुमरो गंबड़ में, हमारे पास दो कैंप साइट है, म्यूनसिपल ऑफिस कमेटी हॉल गंबड़, ओल्ड यूनियन काउंसिल ऑफिस नियर डीएसपी ऑफिस आगरा। उसके बाद तहसील नारा में हमारे पास दो कैंप साइट है, इरीगेशन बिल्डिंग नारा, जी जी एस एच सुरा विरनी नॉन ऑपरेशनल स्कूल। तहसील थारी मिरवा में हमारे पास तीन कैंप साइट है, उसमें गवर्नमेंट मोनो टेक्निकल कॉलेज इंस्टीट्यूट थारी मिरवा, में गवर्नमेंट हाई स्कूल तरकोवडो, टाउन कमेटी सिथारजा, इसकी फैज गंज है उसमें हमारे पास दो कैंप साइट है, बी एच यू जफराबाद, यूसी ऑफिस करूंदी। उसके बाद जो तहसील सुबोदारो है उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुबोदारो, उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल हिंगरोजा। उसके बाद जो इसकी तहसील किंगरी है उसमें हमारे पास तीन कैंप साइट है, आई बी ए स्कूल किंगरी, ईदगाह वड्डा मशीर, उसके बाद है कमर्शियल कॉलेज प्रियालो। तो ये हमारे पास 192 कैंप साइट थी। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ हैं, मेरी हेल्प आप लोग के साथ है, अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।